बख्शी स्टेडियम में जमकर नारेबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आए लोगों में बड़ा उत्साह है और हर किसी की जुबा पर बदलते कश्मीर का ही जिक्र है। क्या बदल गया कश्मीर में? सब कुछ बदल गया। आज आप लाल चौक जाके देखिए, आप लोग देखिए, लोगों की मेंटालिटी देखिए। यहाँ पे लोग लाखों में आ गए। हमारी जो एसटी मिला, हमें जो एसटी स्टेट्स मिला, पहाड़ी लोग देखिए कितने लोग यहाँ पे आए हुए। यहाँ आप कश्मीर में कभी आपने इतना बड़ा जलसा देखा है? ये मोदी जी की बदौलत हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हमारे यहाँ आज हमारी माएं बहनें वो नहीं रोती हैं। आज बहनें अपनी भाइयों को नहीं खोती हैं। आज माँ नहीं रोती है कि वो अपने बेटे का जनाजा देखे। इन हमारे जो अपने सियासतदान या कश्मीर के जो थे, उन्होंने यहाँ नौजवानों को बहकाया, उनको हाथों में पत्थर थमा दिए और उनको एंटी नेशनल एक्ट करवाए, और उसकी वजह से हमारे कम से कम 1.25 लाख नौजवान कश्मीर के आज तक मारे गए। तो हम चाहते हैं, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी ने इक्तदार संभाला, हमारे यहाँ ये कत्लोगारत बंद हुई, हमारे स्कूल आज चल रहे हैं। ओवरऑल मैं बता दूंगा कि आज हम अमन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। दैट इज वाई आज आप इतना बड़ा 2 लाख टचिंग, शायद आपके पास एस्टिमेशन ना हो, आपके पास फिगर्स ना हो, मैं आपको फिगर्स बता दूंगा। अभी तक आधे घंटे पहले 2 लाख पीपल हैड एंटर्ड इनसाइड बख्शी स्टेडियम एंड मेनी आर मोर एक्सपेक्टेड। 2 लाख का दावा है कि अंदर आ चुके हैं। आपसे मैं पूछूं कि आमतौर पे कश्मीर की छवि बनाई जाती थी कि यहाँ के यूथ पत्थरबाजी करते हैं, आपके यहाँ पर दिख रहा है कि आई लव इंडिया, ये बदलाव कैसे? हाँ, मैं सर डिस्ट्रिक्ट बारामूला तहसील बोनियार से हूँ। इधर जो हमारे आने का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी हमारे कश्मीर में, आजकल जो आपने बात बोली कि इधर पहले जो यहाँ का नौजवान था वो हाथ में तिरंगा नहीं ले सकता था, वो खाली पत्थरबाजी बाकी चीजों में मुलव्वस होते थे, ये सारी जो देन है हमारी नरेंद्र मोदी जी की देन है। इतनी चीज जहाँ पे आज कश्मीर में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आजकल जो भी कोई बच्चा है हाथ में फ्लैग लेके अच्छी सी जिंदगी, सुकून सा, अमन है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, डेवलपमेंट है, गरीब आवाम सारे लोग खुश है, और जितने भी यहाँ लोग आए अपने खुशी से आए हैं, दिल से आए यहाँ पे के मोदी जी के इस्तकबाल में। गवर्नेंस में बदलाव का असर दिखता है पिछले 4 साल में? बदलाव जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे वजीर आजम हिंद आए, सारा बदलाव कश्मीर में आए। और जो आप देखिए कितने लोग है कश्मीर यहाँ से, 2 लाख से ऊपर हम खड़ा बैठे हैं, हमें सीटें नहीं मिल रही है, ये सारा नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। पहले कश्मीर को लेकर चर्चा होती थी निगेटिव चीजों के लेकर, टेररिज्म, पत्थरबाजी, अब चर्चा होती है कि यहाँ का ई गवर्नेंस देश में सबसे बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है, इस बदलाव को आप लोग कैसे देख? जब से हमारा नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम आए हैं, उन सब लोगों की जो सोच है वो चेंज हो गई। आज कोई पत्थरबाज नहीं, आज कोई कश्मीर में मिलिटेंट नहीं बढ़ता, आज सब जवान तरक्की के पीछे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा वजीर आजम हिंद है नरेंद्र मोदी जी, इसकी सरकार बार बार हिंदुस्तान में आए। सर आपका क्या शुभ नाम है, कहाँ से? मेरा नाम राजा गुलाम मोहम्मद, एक्स बीडीसी हूँ और तहसील उड़ी से बिलोंग करता हूँ। और हम 4 सालों में 370 हटने के बाद क्या बदला कश्मीर में? नहीं, कश्मीर में तो सब कुछ बदल गया। कश्मीर में 370 हटने के बाद, उसके बाद पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कोई हड़ताल नहीं हो रही है, शांति से लोग जी रहे हैं और शांति से काम कर रहे हैं, और अच्छा खासा बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। लोकल लेवल पे लोग क्या कहते हैं? लोकल लेवल पे तो लोग आप खुद देख सकते हैं, ये देख लें आसपास, थोड़ा कैमरा घुमा के देख लें कि लोगों का, अगर लोकल लेवल पे लोगों का आज की बार 400 पार।